सरकार चाहे कितना भी भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा ले, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते। मुक्त खाद्यान्न पर कोटेदार द्वारा डाका डाला जा रहा है, जिसके संबंध में प्रधान व ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन ध्यान नहीं देते। जिसका जीता जागता उदाहरण मालनपार ग्राम सभा के राशन को वितरण कराने वाले कोटेदार का है। और यहाँ ग्रामीण उपभोक्ता की संख्या 483 है, जहाँ वितरण के लिए 2090 यूनिट का खाद्यान्न आता है। बता दें कि दुकान विवाद के कारण पिंडिया ग्राम सभा से संबंध है, और जिसके प्रतिनिधि मोहन वेलदार द्वारा वितरित किया जाता है। और शिकायत के बाद भी गढ़तौली से परेशान कार्डधारक जमील अहमद सूखा पत्नी, सतीश सैबुल निशा पत्नी, सफीउल्ला तारा खातून पत्नी झीनक, नाजमा पत्नी साकिर अली, पानमती पत्नी प्यारे, सुनीता पत्नी छोटेलाल, महेदू निशा पत्नी साहवली, सवरुनिचा किस्मती पत्नी रमाशंकर, मुन्नी पत्नी इमाम अली, हबीबू निशा पत्नी शेर अली, मुन्नी पत्नी इश्तियाक, बिंदा पत्नी शंभू, कविता पत्नी हरकेश, ससीमा रामनिवास, शीला पत्नी सुरेश, सत्यभामा पत्नी राजेंद्र ने अलग अलग कांटे पर तौलाक देखा तो 800 से लेकर 1100 ग्राम तक की घटतौली की जा रही थी। और जिसकी जानकारी होने पर कोटेदार बीच में ही वितरण रोक करके फरार हो गए, और ग्रामीण उनके इस रवैये से और परेशान हो गए। और ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग 9 वर्षों से कोटि का दंश झेल रहे हैं, अगर मामला निस्तारित नहीं हुआ तो SDM कार्यालय पर आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। और इस संबंध में BDO उर्वा रघुनाथ सिंह से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की शिकायत है तो जांच करके संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और वितरण व्यवस्था ठीक किया जाएगा। अभी हम मालनपुर सोसाइटी से राशन लेके आ रहे हैं, हमको कुछ मतलब कंफ्यूजन हुआ तभी हम राशन को तौल रहे हैं, तो 6 यूनिट पे हमको 26 किलो राशन मिला है। ये मोहन कोटेदार राशन बांट रहे हैं, हर बोरी में कम कम 2 किलो 5 किलो 4 किलो ऐसे ही राशन मार रहे हैं। कितना आपका वहाँ तौल के दिए हैं? वहाँ पे 30 किलो तौल के दिए हैं, यहाँ पे 26 किलो हुआ है। यानी